हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास, क्योंकि मैं Xiaomi 9 का फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, फुल स्पेसिफिकेशन और रिलीज डेट कब होने वाला है और इस फ़ोन में क्या क्या आपको स्पेशली चीज़ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरी मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो होने वाला आपके लिए खास। आप ये वीडियो ज़रूर देख कर ही फ़ोन लेना, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके ही जाना दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि फ़ोन आपको कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा अंत तक। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना अच्छा लगा तो, और कमेंट करना दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आप क्या इस फ़ोन में आपको अच्छा लगा या क्या परफॉर्मेंस इसको अच्छा ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले जनरली से स्टार्ट करूँगा क्या ये कब रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, लॉन्च डेट जो है अप्रैल 10 को लॉन्च हुआ है और ब्रांड Xiaomi Mi 9 का मॉडल जो है और एंड्रॉयड भी 9.05 पे वर्क करने वाला, बहुत अच्छा इसका प्रोसेसर भी दिया दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको क्यू चार्जिंग इसमें मिलने वाला और नेटवर्क में 4G 3G 2G बैंड आप इसमें यूज कर सकते हैं। दोनों सिम नैनो आपको दिया गया विथ GSM डबल वोल्टी के साथ आपको मिलने वाला है। मैं आगे बात कर लेता हूँ और तो दोस्तों, और डिज़ाइन की बात कर लेता हूँ तो हाइट इसका 157.5 mm और विड्थ जो 74.6 mm और थिकनेस 7.6 mm दिया गया है। वेट इस फोन का 173 ग्राम और कलर्स में आपको डीप ग्रे, होलोग्राफिक इल्यूशन ब्लू और होलोग्राफिक इल्यूशन, ये सभी आपको इस फोन का जो कलर ग्रेडियंट आपको मिलने वाला है इस फोन में ही मिलने वाला है दोस्तों। डिस्प्ले काफ़ी एकदम बहुत ही अच्छा है और स्क्रीन साइज इसका 6.39 इंच का डिस्प्ले आपको दिया गया है और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होने वाला आपको 1280x340 पिक्सल का एकदम HD डिस्प्ले विथ डाटा ड्रॉप नॉच के साथ आपको 304 PPI का पिक्सल डेंसिटी एमोल डिस्प्लेके साथ मिलने वाला। क्रोमियम गोरिल्ला ग्लास V6 का प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिलने वाला। टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन मल्टी टच का फीचर आपको इसमें दिया गया है और स्किन टू बॉडी रेशियो 90.7% और स्किन टू बॉडी रेशियो को 50.12% का इसमें अवेलेबल है। और दोस्तों, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी धासु मिलने वाला। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 885 का चिपसेट आपको और प्रोसेसर ऑक्टा कोर 2.4 GHz का सिंगल कोर और कोरियो 485 प्लस 2.4 GHz ट्राई कोर, कोरियो 485 प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर, कोरियो 485 का ट्रिपल आपको प्रोसेसर, हाई प्रोसेसर देने वाला है MI फोन में दोस्तों। आर्किटेक्चर 64 bit का एड्रिनो 640 का ग्राफिक्स के साथ 6 GB रैम के साथ आपको ये फ़ोन अवेलेबल है। काफ़ी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, एकदम हार्ड परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। आपको फ़ोन अगर चाहिए तो आप ज़रूर लेना, थोड़ा सा पैसा लगाकर आप लेना, लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ोन ये ज़रूर लें। कमेंट में बताएं दोस्तों आपको फ़ोन ये कैसा लगा, चिपसेट इसका क्या है। तो दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और दोस्तों, स्टोरेज की बात कर लें तो 6 GB रैम के साथ आपको इंटरनल 128 GB मिलने वाला है। इसमें आप बाहर से मेमोरी नहीं घुसेड़ सकते हो, यानी नहीं लगा सकते हो। काफ़ी हार्ड दे दिया दोस्तों, इंटरनल मेमोरी बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों के लिए, इतना आप यूज भी नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, मैं कैमरे की बात करूँ तो मेन कैमरा बहुत ही हार्डली आपको जो इसका रिजोल्यूशन दिया गया है 48 MP प्लस 12 MP प्लस 12 MP का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा XMOS सेंसर के साथ आपको मिलने वाला है। फिक्स रेजोल्यूशन भी आपको दिया गया है। फिजिकली परचेज का होने वाला 1.75 का डबल कलर लेड फ्लैश के साथ आपको इमेज रेजोल्यूशन जो होने वाला है 8000 से 6000 पिक्सल, इतना पिक्सल आपको देने वाला। और आप वीडियो पॉज कर पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें दोस्तों। फ्रंट कैमरा की 20 MP का फ्रंट कैमरा आपको, इसका अपर्चर 2.0, स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आप स्क्रीन फ्लैश के साथ आपको देने वाला है। सॉरी दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैं कैमरा के मामले में इस फोन को देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका बैक कैमरा जो होता है एकदम हार्डली बहुत ही अच्छा दिया है दोस्तों। फ्रंट कैमरा भी सेल्फी के लिए अच्छा है, एवरेज में है, लेकिन बैक कैमरा के मैं बहुत फैन हूँ इस फ़ोन का दोस्तों। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर लेना, थोड़ा सा पैसा लगा के लेना। लास्ट में प्राइस भी बताऊँगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ
और दोस्तों बैटरी की बात करें तो कैपेसिटी इसका 3300 mAh का दिया गया, थोड़ा सा लो कैपेसिटी इसको दिया गया लेकिन, और दोस्तों टाइप लिया इनका है और इसको रिस्केबल नहीं कर सकते इस बैटरी को। वायरलेस चार्जिंग इसमें दिया गया, क्विक चार्जिंग क्विक V4.0 वेरी फास्ट चार्ज होने वाला दोस्तों, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा कैपेसिटी लो इस फ़ोन का बैटरी का है लेकिन आपको ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा है। और दोस्तों मल्टीमीडिया में आपको लाउड स्पीकर मिलने वाला, ऑडियो जैक की यूज टाइप सी स्क्रीन दिया गया दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर्स आपको स्क्रीन पर मिलने वाला है और अदर सेंसर लाइट सेंसर प्रोक्सीमिटी सेंसर और एस्मेट्री और कैंपास गाइसोस्कोप ये सभी ऑलरेडी इसमें आपको सेंसर्स में अवेलेबल है। और मैं लास्ट में प्राइस के बारे में बताने वाला दोस्तों, तो और दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस होने वाला है 31,790 रुपया, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है आप लोग अगर हेडफोन लेना चाहते तो, लेकिन इस रेंज में आपको ये फ़ोन काफ़ी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको फ़ोन पसंद है या रेंज इसका ज़्यादा है या कम है, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं बहुत लोग दोस्तों। और लास्ट में आप मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और कमेंट में जरूर बताना। चलिए तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा।